हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको चेयर और सोफ़ा शैम्पू करने के बारे में बताएंगे कि ऑफिस में जो चेयर होते हैं, सोफ़ा होते हैं, उनके कैसे हम वैक्यूम से डस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद शैम्पूइंग करते हैं। तो सबसे पहले हम, ये हमारी वैक्यूम मशीन है, ड्राई एंड मोप वैक्यूम मशीन है, इससे हम पहले इसका डस्ट निकालते हैं। पहले इसका हम वैक्यूम जो यहाँ ग्रिप में फंसी रहती है उसको निकालते हैं। निकाल लो। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ गहरा दाग है, इस दाग के लिए हमारे पास में टास्की का 103 एक शैम्पू के लिए आता है, वो इस पर हम स्पॉटिंग करते हैं। अभी तो हम एक स्केन से निकाल के ले लिए हैं, तो इसको स्पॉटिंग करने के लिए थोड़ा सा इसको लेकर के हल्का सा इसको स्पॉटिंग करेंगे। 103 से हम स्पॉटिंग करके छोड़ देते हैं। इसी तरह इस चेयर में भी करेंगे स्पॉटिंग के लिए। इस चेयर में लगाओ जहाँ जहाँ स्पॉटिंग, इससे हमारा जो है कि दाग जो है क्लियर हो जाएगा बाद में। सब लगाओ, बंद कर लो इसको ढक्कन को। छोड़ दो। अब उसके बाद हमारे पास में एक शैम्पू है, टास्की का 101, इसका 10% का रेशियो हमारा, जब भी हम आपने देखते हैं हमारा कितना है चेयर है सोफ़ा है, कितना हिसाब से अपना पानी मिला के इसको 10% के रेशियो से मिलाते हैं। 1 लीटर पानी में, इस पानी में हम इसको 101 मिला रखे हैं, डाइल्यूशन बना रखा है हमने। अब इससे हम स्क्रबर से इसको पूरे चेयर को स्क्रबिंग करेंगे। जब स्क्रबिंग हो जाएगा फिर इसके बाद हम वैक्यूम क्लीनर हमारे पास में है, उसका फिल्टर निकाल के, फिल्टर निकाल फिर हम इसका जितने वाटर है उसको सब सक कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और शैम्पू लगाओ ठीक से। जितना इसमें आपका वो आएगा शैम्पू, बढ़िया झाग बनाएगा, उतना बढ़िया ये क्लीन हो जाएगा आपका चेयर। इसी तरह सोफ़ा में भी हम करके दिखाएंगे आपको, उस चेयर में करो। अभी बाद में कर लेंगे, इसको करो। थोड़ा देर वेट करने के लिए छोड़ देते हैं चेयर के लिए, ताकि जो भी है केमिकल अपना टाइम लेता है थोड़ा डस्ट निकालने के लिए, या जो स्पॉट है इधर भी। आराम से करो, आराम से, हाँ तसल्ली से करो एकदम। इसको जितना हम अच्छे से रब करेंगे, स्क्रब करेंगे, उतने अच्छे से इसका दाग निकल जाएगा जितना भी है। और आजकल आपको पता है कि कोविड काल चल रहा है, जिसमें कि हमें हाइजीनिक भी रखना पड़ता है या अपना एकदम सैनिटाइज होना चाहिए चेयर को, तो इससे भी हमें अच्छा लाभ मिलता है। ठीक से रगड़ो, अब तुम दिखाई दे रहा हूँ, फिर दोबारा से ठीक से रगड़ के इसको हल्के हाथ से स्क्रब करो, ताकि फैब्रिक फटे भी नहीं, और आराम से करो। अगर नहीं निकलता फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसको और अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। अब आप वैक्यूम से इसको निकालिए, इसके अंदर पानी जितना भी है। वैक्यूम स्टार्ट करिए, निकालिए इसको। इससे क्या है कि हमारा वैक्यूम से सारा पानी जो है इसका सीट के अंदर का कवर का निकल जाता है, और ड्राई होने में आराम, जल्दी ड्राई हो जाता है चेयर, ताकि आदमी को सीटिंग में बैठने में दिक्कत नहीं हो। अब आप देखिए जितना इसमें स्पॉट था दाग का, लाइट हो गया एकदम। अभी आप देखिए पहले इसमें कितना दाग था चेयर में, अभी हल्का सा स्पॉट कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो फैब्रिक में दाग आ जाता है अंदर, हल्का फुल्का दाग रह, लाइट इसका इम्प्रेशन दिखाई देता है, स्पॉट का इम्प्रेशन दिखाई देता है, बाकी चेयर क्लीन होगी। अब दूसरी चेयर को ले लो, उसको खींच लो, छोड़ 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 दो, दूसरा चेयर ले लो।
अब देखिए चेयर का स्पॉट जितना था ज़्यादा सब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अब इसको थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगेगा, सूख जाने के बाद एकदम और आपको स्पॉट दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह हमारे चेयर का शैम्पू हो गया। इसी तरह सोफ़ा का आप करते हैं, सोफ़ा कवर, पिलो कवर सब जितने भी हैं सोफ़ा में यूज़ होने वाले, ब्लाइंड्स वगैरह भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ब्लाइंड्स की भी कर लेते हैं शैम्पू, जो शैम्पू की ज़रूरत होती है जहाँ जहाँ। तो शैम्पू में विशेषतर ध्यान रखना पड़ता है अपना, हाथ में ग्लव्स ज़रूर होना चाहिए सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि ये एक केमिकल है, किसी को रिएक्शन भी कर सकता है, तो इसलिए ग्लव्स मस्ट है इसके लिए। सेफ्टी अपना पीपी मस्ट है इसके लिए, सेफ्टी शूज़ पहनो, ग्लव्स पहनो और मास्क ज़रूर लगा के रखिए। अब इस तरह हमारे चेयर शैम्पू हो गया, तो थोड़ा सूख जाने के बाद फिर आप इसको ऑफिस में यूज़ ले सकते हैं, बैठने के लिए यूज़ ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।